सो गाइज यहाँ पे नीचे हाँ अब सही है। तो गाइज ये वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का चैनल मोनिटाइज हो चुका है या फिर जस्ट होने वाला है तो आप सभी लोग किस तरीके से जो है अपना यूट्यूब एड रेवेन्यू को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। चलिए हम सभी लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि YouTube एड रेवेन्यू जो है आप लोगों को किस तरीके से मिलता है। जब भी आप सभी लोग अपना वीडियो को YouTube पे अपलोड करते हो तो वहाँ पे जो है YouTube आप लोगों से टाइटल मांगता है, डिस्क्रिप्शन मांगता है और साथ ही साथ टैग्स मांगता है। वहाँ पे जो है आप सभी लोग जो जो कीवर्ड्स यूज करोगे वही कैटेगरी का जो है एड्स आप लोगों के चैनल पे चलने वाला है और जितने का एड्स चलेगा उसका जो है 55% शेयर आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ 45% जो शेयर है वो YouTube अपने पास रख लेगा। इस तरीके से जो है आपका YouTube स्टूडियो में आपका एड रेवेन्यू दिखाता है। और इसमें जो है गाइज आप लोगों को एक चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों के चैनल पर जो भी ऐड आता है उसका रेट एक ही नहीं होता। जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपके चैनल पर लैपटॉप वगैरह का ऐड आता है तो ऑफकोर्स वो जो है महंगा ऐड होगा, आप लोगों को ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा। और वही अगर आपके चैनल पर कोई चॉकलेट का ऐड आता है तो उससे जो है आप लोगों को बहुत ही कम रेवेन्यू मिलने वाला है, क्योंकि लैपटॉप वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, जो चॉकलेट का कंपनी है वो जो है थोड़ा कम इन्वेस्ट करेगा अपने ऐड पे, क्योंकि उन लोगों का तो प्रोडक्ट का भी आप सभी लोग प्राइस मिला सकते हो। चॉकलेट जो है 1-2 रुपए में मिल जाता है और लैपटॉप देखोगे तो लाखों का लैपटॉप आता है। तो वैसे ही कहीं आप सभी लोग अपना वीडियो में जिस जिस कीवर्ड को यूज करोगे उसी तरीके का जो है एड्स आप लोगों के चैनल पर आने वाला है। अब अगर आप सभी लोगों का वीडियो है चॉकलेट के रिलेटेड और अगर आप सभी लोग एड रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए वहाँ पे अगर लैपटॉप का अगर कीवर्ड्स वगैरह को आप लोग यूज कर लेते हो तो आप लोगों को जो है वहाँ पे अपना चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकता है। उसी लिए आप सभी लोगों को अपने ही कैटेगरी में हाइएस्ट पेइंग एड्स वाला कीवर्ड को जो है ढूंढना पड़ता है। अब उसको कैसे ढूंढते हैं गाइस वो जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है गाइज आप लोगों को पीछे की तरफ मेरा पीसी का जो है स्क्रीन आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यहाँ पे आप सभी लोग ये एक मेरा वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे जो है CPM 9.51 का आया हुआ है और जो है RPM 0.55 है। ये क्यों कम है मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। आप लोग ये भी एक वीडियो का देख सकते हो, इसमें $15 का RPM है CPM है और जो है इसमें आप सभी लोग देखोगे तो $33 का CPM है और इसमें जो है $16 का CPM है। और यहाँ पे जो है आप लोगों को RPM बहुत ही ज़्यादा कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो चैनल है अभी हाल फिलहाल में ही जो है मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ है और RPM जो है पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का काउंट करता है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को इसका दिखा दूँ लास्ट 7 डेज करके, जब मैं यहाँ पर लास्ट 7 डेज कर दे रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर ईजिली देख सकते हो RPM कितना डॉलर का है, $18 का है। यानी कि सिंपली हम लोग के चैनल पे अगर ये वीडियो पे 1000 व्यूज आ जाता है तो मुझे जो है $18 यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ यही एक वीडियो से। अगर 1000 व्यूज आता है तो $18 मिल जाएगा। और इसमें जो है मैंने कुछ कीवर्ड्स को यूज करा है और वो कीवर्ड्स को कहाँ से आप लोगों को फाइंड करना है वो जो है मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को सिंपल से आ देना है गाइज यहाँ पे गूगल एड्स में। अगर आपके पास गूगल एड्स अकाउंट नहीं है तो आप सभी लोग फ्री में उसको जो है क्रिएट कर सकते हो। गूगल एड्स का अकाउंट में आने के बाद जो है यहाँ पे ऊपर आप लोगों को दिख रहा है टूल्स एंड सेटिंग्स, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्लानिंग के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर करके एक ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है। सिंपली आप लोगों को कीवर्ड प्लानर पर जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद जो है आप लोगों से जो है सैम्पल कीवर्ड मांगने वाला है। अब जैसे कि मैं अपना ई एक वीडियो का दिखाऊँ तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल्स में यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइटल क्या रखा है, डिस्क्रिप्शन क्या रखा है। ये वीडियो जो है सिंपली यूट्यूब के रिलेटेड है तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल से कीवर्ड प्लानर में जो है आ जाना है और जो है यहाँ पे मुझे जो जो कीवर्ड चाहिए वो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि ये जो वीडियो है वो यूट्यूब के रिलेटेड जो है ये वीडियो है तो मैं सिंपल से यहाँ से यूट्यूब कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और जो है यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर जो है गाइज आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जो है सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप सभी लोगों को अपना जो भी कीवर्ड आपने कॉपी करा था उसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप लोग चाहो तो 2, 3, 4, 5 कीवर्ड जो है अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और कीवर्ड लिख दिया YouTube लिमिट्स,
उसके बाद जो है गाइस नीचे आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, किस लोकेशन का आप लोगों को चाहिए वो देख सकते हो। जैसे कि मेरा ज़्यादातर व्यूज आता है इंडिया से, तो मैं जो है इंडिया के हिसाब से उसको टारगेट करूँगा। उसके बाद जो सिंपली आप लोगों को गेट रिजल्ट का वहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल से आप लोगों को गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, ये जो है हम लोगों का कीवर्ड्स आ चुका है। अगर आप सभी लोग अपना वीडियो में यूट्यूब कीवर्ड्स को यूज करते हो, तो आपका जो है 0.75 इंडियन से लेकर के 5.24 इंडियन करेंसी के हिसाब से आप लोगों को मिलने वाला है। अब जो यहाँ पे सबसे आप लोगों को हाइएस्ट चाहिए, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द हाइब्रिड दिख रहा है, उस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम अपना वीडियो में यूट्यूब एड्स का यूज करें, ई कीवर्ड का यूज करें, तो मिनिमम हम लोगों को इतना मिल सकता है, और जो है मैक्सिमम हम लोगों को यहाँ पे 74,000 तक जो है मिल सकता है। आप सभी लोग देख सकते हो इतना कीवर्ड्स है, जैसे कि ये भी एक कीवर्ड है, यूट्यूब गूगल ऐसा कुछ आप सभी लोग यहाँ पे कीवर्ड देखने को मिल जा रहा है। इसको अगर आप सभी लोग अपना वीडियो में यूज करते हो, तो आप लोगों को मिनिमम इतना रुपीज तो मिलेगा ही, और मैक्सिमम जो है आप लोगों का इतना रुपीज मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा कीवर्ड्स है, और जो है जितना भी आपका वीडियो का रिलेटेड जो जो कीवर्ड्स है, उस सभी को जो है आप सभी लोग इधर लाइन बाई लाइन सर्च कर सकते हो, और जो भी कीवर्ड आपका वीडियो का सुइटेबल हो और जिसका कि बिड रेट या फिर जो रेटिंग है वो जो है बहुत ही हाई हो, उसको जो है आप सभी लोग सिंपली अपना वीडियो में यूज कर लीजिएगा, और आपका भी जो है वीडियो पे यही महंगा वाला ऐड चलेगा, और एज अ रिजल्ट आप लोगों को जो है बहुत ही हाई CPM और बहुत ही आप लोगों को हाई रेवेन्यू भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो बस यार ये वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और भी आप लोगों को ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो आप सभी लोग नीचे कमेंट कीजिए, और तुम्हारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।